इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे पर केजरीवाल ने ट्वीट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को घेरा है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? ये ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो ये देखिए, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है, जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है? ये ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। बीजेपी एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में निधन हो गया। कई महीने से बीमार चल रहे बनवारी लाल ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बनवारी लाल के निधन के बाद बीजेपी नेताओं में शोक की लहर है। आपको बता दें कि 4 बार के विधायक रहे बनवारी लाल दोहरे का संगठन में काफी दबदबा था। एक और बड़ी खबर कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस से जुड़ी है। एनआईए की रेड लगातार जारी है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी छापेमारी चल रही है। करीब 60 ठिकानों पर इस समय छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि कोयंबटूर में ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में करीब 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एनआईए की रेड लगातार इन जगहों पर की जा रही है। करीब 60 ठिकानों पर एनआईए इस समय छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से यहां बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और यूपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो एनएसए लगेगा, बाधा पहुंचाने पर संपत्ति भी कुर्क होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। तो ये देखिए, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए तो एनएसए लगेगा। आपको बता दें कि 16 फरवरी से 14 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षाओं में नकल को रोकने को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और जो आदेश है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए, इसे भी तय किया जाए। आपको बता दें कि करीब 58,85,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर है आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पे आपको बताएं कि कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
तो निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को साहिल की रिमांड मिल गई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड साहिल की दी गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को रिमांड मिल गई है साहिल की। साहिल ने अपने लव इन पार्टनर की हत्या की थी और शव को फ्रिज में रखा था। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कार की तस्वीर है जिस कार में शव को रखकर करीब 40 किलोमीटर तक साहिल घूमता रहा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिल गई है, द्वारका कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 5 दिन की रिमांड मिल गई है। तो आपको बता दें कि साहिल जिसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को आपको बता दें कि कार में रखकर करीब 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। जो जानकारी निकल करके सामने आई, कार में ही हत्या की गई, शव को उसके बाद फ्रिज में रखा गया। और आपको बताएं जो कारण बताया जा रहा है कि शादी नहीं करना चाहता था साहिल निक्की से और इसी की वजह से उसने यह हत्या की है। शुरुआती ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और जो कार आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसी कार में साहिल निक्की के शव को लेकर घूमता रहा करीब 2 घंटे। दिल्ली पुलिस को साहिल की रिमांड मिल गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर फिलहाल साहिल रहेगा, इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आ रही है, बारात लेके 10 तारीख को, अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लिया लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश स्थिति थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। सर अब क्या प्रोसीजर रहेगा, कोर्ट में पेश कीजिएगा, क्या क्राइम ब्रांच रिमांड मांगेगी पूरा सीक्वेंस? हाँ, हमने कल 5 दिन की रिमांड ले ली है, यही सारी चीज़ें करने के लिए, सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, साक्ष्यों को और मजबूत करने के लिए, बाकी जो भी विटनेस वगैरह हम ढूंढ रहे हैं उनसे कन्फ्रंट कराने के लिए और केस को पुख्ता करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि 5 दिन की रिमांड मिली है, अब इस दौरान साहिल से पूछताछ की जाएगी। साहिल के सामने मुश्किल ये थी कि वो शादी अपनी फैमिली की मर्जी से करे या फिर जो लिव इन पार्टनर है उससे करे, इसी उधेड़बुन में साहिल था। यह स्थिति जो है वो निकल करके सामने आई। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं मेघालय, जहां इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। यहां पे आपको बताया कि घोषणा पत्र जो है बीजेपी की तरफ से मेघालय के लिए जारी किया है अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। So far we are going to release the manifesto, the goal and the objectives of the BJP to bring complete change in the state of Meghalaya. We have seen the development in the whole country. To compare with our neighboring states, the Assam, the Nagaland, the Manipur, Arunachal Pradesh, they have brought complete change, the development in their states. Why not Meghalaya? Why we are left behind? We don't want to be left behind now. We have to work sincerely and efforts, put all our efforts together. Definitely we are with.
तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है मेघालय के लिए। तो ये बीजेपी का एक तरीके से कहें तो विजन डॉक्यूमेंट जो है वो जेपी नड्डा ने जारी किया है। ये सीधी तस्वीरें मेघालय से हम आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट टू शेयर द वर्ड्स विद अस। तो देखिए विजन डॉक्यूमेंट 2023 मेघालय के लिए लॉन्च कर दिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और इस समय बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेघालय से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का जारी किया है। मेघालय में चुनाव होने हैं, 27 फरवरी को मतदान होना है और बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहले त्रिपुरा में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने जोर लगाया जहां पे कल मतदान होने हैं, और अब मेघालय की अगर बात कर ली जाए तो मेघालय से तस्वीरें हैं और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। हालांकि परिणाम जो हैं वो एक साथ आएंगे 2 मार्च को। 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हैं, जिसमें आपको बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। त्रिपुरा में कल ही वोट डाले जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए मेघालय और नागालैंड की तो वहां 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। और चलिए यूपी कांग्रेस के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको लिए चलते हैं। FIR दर्ज होती है, निलंबित किया जाता है लेखपाल को, SDM साहब, लेखपाल साहब, पुलिसकर्मी जो वहाँ मूक दर्शक बने देख रहे थे, जो बुलडोजर यानी आग लगी हुई है, हमने आपने भी देखा होगा, अध्यक्ष जी तो गए हैं वहाँ पर, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, आग लग गई और झोपड़ी में, झोपड़ी है, पक्का मकान नहीं है कि अंदर से लोहे के दरवाजे हैं, ये कोई भी जा करके निकाल के ला सकता था। जब वो झोपड़ी में आग लग जाती है तो वो बुलडोजर जा करके उसको तोड़ देता है। तो जो आग ऊपर जल रही थी, जो आग ऊपर लगी हुई थी, नीचे वो माँ बेटी के ऊपर वो आग का छप्पर गिरता है और वो जल करके वहाँ स्वाहा हो जाती है, साथ में जानवर भी स्वाहा हो जाते हैं। और उसके बाद क्या यही काम अगर किसी और व्यक्ति ने किया होता, आम आदमी ने, तो क्या सिर्फ FIR लिखने के बाद इतिश्री हो जाती है? सवाल यह है कि अभी तक आपने जिनके खिलाफ FIR लिखी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह है क्या? SDM साहब वहां खड़े देख रहे हैं, बुलडोजर जा रहा है, पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए देख रहे हैं, बुलडोजर जा रहा है, आपने उसको रोका नहीं। स्पष्ट है कि यह एक साजिश थी। और फिर DMSSP क्या कर रहे थे? हम लोग भी सरकार में रहे हैं, अगर किसी जिले में इस तरीके की घटना होती है वहां पर DMSSP मौजूद हो या ना मौजूद हो, जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो DMSSP के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई करने आप जा रहे हो? और जब ये सब मालूम होता है तो कल सुबह हमने मानी अपने PCC के अध्यक्ष मानी ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में मानी प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर उन्होंने कहा था कि आप लोग मौके पर पहुंचे। तो चूंकि अनिल यादव जी इटावा थे तो ये तो अपना छुप छुपू के पहुंच गए वहां पहुंच। हम लोगों को मानी अध्यक्ष जी थे, मानी नकुल दुबे जी थे, मैं था और हमारे PCC के तमाम पदाधिकारी थे। हम लोगों को नवाबगंज जो टोल प्लाजा है उन्नाव जिले में, वहां रोक लिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।